आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एंड हैप्पी करवा चौथ, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस मैं अभी है ना फटाफट से लगी हूँ अपने घर के, पहले काम करूंगी कंप्लीट, उसके बाद है ना मैं तैयार होंगी, क्योंकि तैयार होने के बाद फिर ये जो काम है ना ये नहीं हो पाएंगे। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे पुए, देखिए इस तरह से पुए, हाँ ये पुए बना रही हूँ। पूड़ियाँ बना के मैंने रख दी है, हाँ मोलू खाने भी लगा है। एक और लोगे? मैंने मोलू के लिए पहले बना के रख दिए, मुझे पता है ये मुझे परेशान करेगा। ले कड़क हो गए खाले, और उनको ढक दू सारी चीजों को मैं। पूड़ी बनाकर रख दी मैंने यहाँ पर, यहाँ खीर बन चुकी है, यहाँ आलू बन चुके हैं। मैं आलू की रसे वाली सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि व्रत के बाद बहुत कुछ हैवी नहीं खाया जाता है, और ये इतना बनाया है ना ये भी सब ऐसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन जरूरी था। कि सुनने में आ रहा है कि 8 बजे चांद आ जाएगा निकल के, सो मेरी तरह आप सब लोगों को भी इंतजार होगा आज कि कब चांद निकले और कब पानी पी ले। करवा चौथ के व्रत में बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, सच में बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, लेकिन शाम का ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पर आके जब हम किचन में से बाहर निकलते हैं ना तो प्यास लगने लगती है। तो चलिए फटाफट से पहले मैं रेडी होती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। और देखिए करवा चौथ आते आते मेहंदी आधी हो गई, ये काम से है ना मेरी मेहंदी भी नहीं रुक पाई। तो घर के काम करते करते काफ़ी लेट हो गई, और मेरी पड़ोस की भाभी है ना, हम लोग उनके वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि रिनू फटाफट से आ जा और जल्दी चांद निकलेगा आज। तो वाकई इस बार चांद 8:10 पे तो निकल आया था। तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपनी पूजा की थाली वगैरह ले रही हूँ, और अब मैं जा रही हूँ हमारी पड़ोस वाली आंटी के घर में, यानी भाभी के घर में। तो सारा सामान मैंने थोड़ा बहुत इकट्ठा करके रख लिया था, थोड़ा रह गया था, तो हो जाता है क्योंकि किचन का काम और सारे काम देखते देखते अपने कुछ काम तो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो सका उतना याद कर करके ले जा रही हूँ। और ये वो सामान है जो हम अपनी सास के लिए जो शगुन का निकाल के रखते हैं। मेरी साड़ी अभी अच्छी तरह से दिखाऊंगी, अभी आती हूँ पूजा करके। अच्छा तुम चलो ना। चप्पल भी मचे तो बस मेरी गली से 2-3 घर छोड़ के ही इनका घर है, और आप लोगों ने शायद इनको पहली बार देखा भी होगा कई बार, क्योंकि ये ना मैं गणगौर की पूजा भी इनके घर पे ही करती हूँ, और करवा चौथ की पूजा भी आजकल इन्हीं के घर पे करती हूँ। अकेले अच्छा ही नहीं लगता पूजा करना, जब 4-5 सुहागन इकट्ठी होकर बैठती है ना तो पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। और फिर जो बड़ी भाभी है ना रेड साड़ी में, ये बहुत सारी कथाएं बोलती हैं, 5 कथाएं तो बोली जाती हैं, तो हम लोग उन कथाओं को सुनते हैं, और कुछ कथाएं तो मुझे भी याद हो गई हैं लेकिन बीच बीच में से भूल जाती हूँ। तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं, तो फटाफट से पहले है ना हम गौरा माँ को टीका वगैरह करेंगे, महावर लगाया उनको, उसके बाद अब हम सब सुहागन बैठ के यहाँ पर लगाएंगे महावर। और हमारे यहाँ पे अलता नहीं महावर कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग इसे अलता भी कहते हैं। तो जब तक हमारे वहाँ पर ये अलता नहीं लगता तब तक समझो कि पूजा स्टार्ट ही नहीं होती है। हमारे समाज में अलता ये एक सुहाग का प्रतीक माना जाता है, तो सभी सुहागन है ना अलता लगाती हैं। कोई भी सुहाग का कोई भी त्यौहार मनाया जाता है तो उसमें अलता लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और मुझे भी पसंद है। करवा चौथ हो गया, गणगौर हो गया, तो ऐसे त्यौहारों पर मुझे अलता लगाना बहुत अच्छा लगता है। जो आंवले की एकादशी होती है उसमें अलता लगाया जाता है, तो बिना अलता लगाए कहते हैं कि ना सिंगार पूरा ही नहीं होता, और कहीं ना कहीं सही बात भी है कि जब तक हम अलता नहीं लगाते पैरों में, महावर नहीं लगाते, तब तक है ना पैरों की सुंदरता अधूरी रहती है। तो ये मेरी पूजा की थाली थी, और ये हैं हमारी करवा चौथ माता जिनकी हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पे बड़ी भाभी हैं जो कि कथा सुना रही हैं गणेश भगवान जी की, तो आप लोग भी कथा सुन लीजिए। तो भी बनी देखनी हमारा
तभी सब भाई यह देख कर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अपने रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ हुआ चंद्रमा को अर्ध देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे दिया था। तब उसी के फल से लिखते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ। अतः अब तुम 12 मास के 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 मास के चौथ व करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सहित जीवित हो उठा। सात जन मिले, लड़ाई झगड़ा दुनिया घर में होते तो यहाँ पर कथाएं पूरी हो चुकी और अब हम ना माता को टीका वगैरह लगाएंगे और उनका पूजन करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमने पूजन ख़त्म किया वैसे ही चांद निकल आया था। पड़ोस के सब बच्चे बोलने लगे कि चांद आ गया। तो बस फटाफट से चांद की पूजा करेंगे और मैं तो यहाँ से फिर अपने घर चली गई थी क्योंकि है ना वहाँ पर गए थे, मैं अकेली यहाँ पूजा कहाँ करती। मैंने भाभी को बोला आप भी चलो, तो बोले नहीं हम लोग यहीं पे कर लेंगे। मैंने कहा मैं अपने घर जाके बाकी की पूजा करूँगी। तो बस ये अभी हम लोग यहाँ पे पूजा फिनिश कर रहे हैं, उसके बाद है ना जो करवा बदलते हैं ना, अब वो करवा वगैरह बदला जाएगा। तो जो सुहागन होते हैं ना आपस में बदला जाता है, आप लोग भी करते होंगे। तो हमारे यहाँ पे तो इसी तरह से होता है कि एक सुहागन दूसरी सुहागन से इस तरह से करवा बदलती हैं और कहती हैं कि लो सुहागन करवा लो, सदा सुहागन करवा लो, ऐसे कहा जाता है और करवा बदला जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी जो करवा चौथ की पूजा होती है वो आधी कंप्लीट हो जाती है और आधी पूजा होगी कंप्लीट जब हम है ना चांद की पूजा कर लेंगे तब। तो अब यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे और हम लोग जा रहे हैं छत पे सब लोग, क्योंकि मैंने कहा था हमारे वहाँ से ना भाभी के वहाँ से जल्दी नहीं दिखता, जब पूरा चंद्रमा निकल जाता है ना तो उसके बाद दिखाई देता है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में सबके घर डबल माल के बन गए हैं इस वजह से। तो चलिए हम तो फटाफट से छत पे पहुँचते हैं और चांद का दीदार करते हैं, स्वागत करते हैं।
क्या क्या लेकर आए हैं? दो मिठाई खा चुके हैं। कोई गायब हो गई? तुमने खा ली ना वो? ले व्रत मेरा है, मिठाई वो खा रहे। देख देख क्या कराता है। दो दो मिठाई खा चुके हैं, अभी देखो थाली में से ये भी खाएंगे। चल यहाँ मस्ती नहीं वीडियो बन रही है। लो देख ले देख ले। बैकग्राउंड में अच्छा आ रहा है, चांद लग रहा है बिल्कुल। ले तेरा भी व्रत खोल दो। तो बस आज हमने सिंपल सा खाना बनाया, क्योंकि व्रत के बाद ज्यादा अच्छा खाना नहीं खाया जाता। ये है चावल की खीर, ये आलू गोभी की सब्जी, ये आलू टमाटर की सब्जी, और ये मिठाई, और इसके साथ साथ ये इतनी सारी मिठाई। ये हम खाने वाले नहीं है अभी, लेकिन हाँ ये लेकर आए हैं इतनी सारी मिठाई। इसमें क्या है? मिठाई, मिठाई। लेकिन कौन सी वाली? ओ इसको बालूशाही बोलते हैं ना, बालूशाही है हमारे वहाँ की फेवरेट मिठाई है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। एक मिठाई दे दो। कौन सी लेगा बेटा? ये गोल गोल वाली है, गुजिया वाली, वो कटोरी में रखी होगी ना। आ जा बेटा, आ जा ना। खाना खाने बैठे और नीचे देखो दिख रहे हैं ये कीड़े कीड़े लाइट के। तो फिर हम लोगों ने पता इसीलिए वीडियो शूट नहीं की और लाइट बंद करके खाना खाया। इतने कीड़े हो गए थे, बहुत ही ज्यादा। और मुझे पता है इस बार है ना आप लोग बोलोगे कि दी हमको आपकी साड़ी अच्छी नहीं लगी, तो ये करवा चौथ के पर्पज से नहीं ली है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कलर की कोई साड़ी नहीं थी। मैंने बोला कि डार्क कलर की दे दो, तो आपके भैया बोलते हैं नहीं यही लेगी, लाइट कलर ही लेगी। और इतनी उतावल थी ना पूजा करने जाने की, मैंने इयरिंग वगैरह चेंज ही नहीं करी, मैं भूल गई, तैयारी नहीं हो पाई ढंग से। तो चलो कोई ना, एक बार सिंपल ही सही। तो ये सब तो मैंने कर लिया था, लेकिन फिर देर हो रही थी ना, तो फटाफट से मैं भगी और बस इयरिंग बड़ी वाली पहनना भूल गई। बड़ी इयरिंग पहनती ना तो चेहरा अच्छा लगता, अभी एकदम सुना सुना सा लग रहा है। और मेरे कड़े देखिए, मैंने ये वाले कड़े पहने, इनमें लिखा है करवा चौथ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी दिखाती हूँ अच्छे से। ये कंगन मुझे बहुत अच्छे लगे जिनमें करवा चौथ लिखा हुआ, इसलिए मैं लेकर आई। लेकिन लाइट कलर है ना, इसलिए थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है इस पर। हर बार कुछ अलग होना चाहिए। अच्छा लग रहा बहुत। चलिए अब मैं ये कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे मोलू को मेरे बिना नींद नहीं आती। मैं उसको बिस्तर पर ले सुलाकर आई, मैंने कहा मैं वीडियो शूट कर लूँ। नहीं मम्मी आप आ जाओ आप आ जाओ, तो पहले जाती हूँ मैं उसको सुलाती हूँ, उससे पहले कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि साड़ी है ना ये बहुत हैवी टाइप की है। इसका वर्क देखिए ब्लाउज का, मुझे पता है ये साड़ी कम अच्छी लगी, लेकिन इसका जो ब्लाउज है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और रियल में साड़ी का लुक बहुत ही पार्टी वेयर टाइप का है, बहुत प्रीटी साड़ी है, लाइट पिंक कलर की, जो बेबी पिंक कलर है ना वो है। लेकिन कैमरा क्या है कि उस कलर को इतने अच्छे से फोकस नहीं कर रहा है, और मेरा गला बैठा हुआ है, क्योंकि पता नहीं क्यों सुबह से मैंने पानी वगैरह नहीं पिया था, सुबह भी मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही थी,
और अभी भी मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही, पता नहीं क्यों मेरा गला बैठ ही जाता है। और फिर आपके भैया ने मुझे मिठाई खिला दी तो बचा कुचा गला भी गया, पता नहीं मुझे तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी मीठा खा लूँ तो गला खराब, तेज बोल लूँ तो गला खराब, घर में अगर कोई काम हो जाए तो गला खराब। तो चलिए पहले मैं आरू मोलू को, आरू तो खैर सो जाएगी कोई टेंशन नहीं है, मैं मोलू को सुलाकर आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ और इस साड़ी को चेंज कर दूँ नहीं तो फिर खराब हो जाएगी। और आपके भैया मुझे बोल रहे थे लेती तो है साड़ियाँ कम से कम इनको पहन लिया कर, लेकिन अब मैं मोटी हो गई ना तो मेरा साड़ी पहनने का मन नहीं करता है, सो फिर से मेरा वेट कम करना पड़ेगा। लेकिन काम करते करते मुझे एक्सरसाइज करने की अब तो फुर्सत ही नहीं मिलती, पहले घर छोटा था तो कर लेती थी, अब घर बड़ा हो गया है तो सारा दिन मेरा कामों में ही निकल जाता है। और आप बताना आपको ही मेरे करवा चौथ लिखे हुए कंगन कैसे लगे, क्योंकि मुझे बड़े प्यारे लगे। वैसे तो सारी चूड़ियाँ प्यारी हैं लेकिन ये कुछ स्पेशल है, इनको मैं संभाल के रखूंगी हर साल के लिए। तो चलिए गुड नाइट, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और क्या पता ये व्लॉग पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। सो पहले मोलू को सुला कर आऊँ, और मुझे खुद बहुत तेज नींद आ रही है, मेरी आंखें झपक रही हैं। गेट से नहीं हुआ, ये तो वैसे भी खुला रहता है, उससे आ ही रहे हैं कीड़े, हमारे वहाँ इतने छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं ना कि बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना भी नहीं खा सकते, देखो पूरी गंदगी।